हेलो, आज मैं बना रही हूँ जन्माष्टमी के लिए मगज की कतली। तो उसके लिए मैंने 150 ग्राम मगज लिए हैं, किशमिश, चिरौंजी, कटे हुए बादाम, 10-12 बादाम हैं, ये नारियल बुरादा है, इलायची पाउडर और 20-25 बादाम। नारियल पाउडर मैंने 50 ग्राम के करीब लिया है और 250 ग्राम मावा है ये। और ये मखाने हैं, ऐसे 25-30 ग्राम होंगे मखाने। और ये 1 कप शुगर है, जितनी ज़रूरत होगी तो और कम ज़्यादा कर लेंगे। चलिए, ये कढ़ाई ली है मैंने, इसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, इसको हल्का सा गर्म कर लेना है अभी। अब इसमें मैं ये खरबूजे के बीज यानी कि मगज डालती हूँ और चटकने तक हम इसको भूनेंगे। इसको मीडियम हीट पर भूनना है, तेज पर नहीं, क्योंकि ये जल जाएंगे। तो इसको हम इसी तरह से चलाते रहेंगे, ज़्यादा देर नहीं भूनना है क्योंकि ये जल्दी झटपट भून जाते हैं। ये देखिए, ये भुन चुके हैं, ये देखिए फूल चुके हैं, ये चटक चुके हैं। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं घी, मैं थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ घी। इसमें मैं जो मखाने लिए थे वो डाल दूँगी, ये सारे मखाने इसमें हम तल लेंगे। इसको भी हम मीडियम हीट पर ही पकाएंगे, भूनेंगे, क्योंकि इसको हमें क्रिस्पी करना है और घी से अच्छा फ्लेवर आ जाता है, इसलिए हम इसको भून रहे हैं। अब ये देखिए भून चुके हैं, 5-7 मिनट में भून गए। ये देखिए, ये क्रिस्पी है, टूट गया है ये आसानी से, इसका मतलब ये रेडी है। इसको भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैं छोटा चम्मच घी डालूंगी, देसी घी, और इसमें ये बादाम, 20-25 बादाम जो लिए थे उनको भी हम भून लेंगे, तल लेंगे, चटकने तक तलेंगे इसको। ये देखिए तल चुके हैं, ये घी ऐसे की ऐसी रखा है, इसमें घी नहीं लगता है ज़्यादा। ये देखिए तल चुके, इसको भी निकाल लेंगे अलग। अब इसी बर्तन में हम मावा भून लेंगे, क्योंकि कच्चे मावा स्मेल भी अजीब सी आती है और थोड़ा सा भुना हुआ होता है तो बर्फ़ी ज़्यादा भी टाइम तक चलती है, ख़राब नहीं होती जल्दी और टेस्ट भी अच्छा आता है, इसलिए हम इसको कम गैस पर भून लेंगे। लाइट पिंक होने तक इसको भूनना है, 4-5 मिनट लगेंगे इसको भूनने में, कम गैस पर भूनेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ऐसे बस चलाते रहना है। देखिए बिल्कुल, अब इसमें मैंने मिक्सी में मगज, मखाने और बादाम तीनों इस तरह से पीस लिए हैं। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा रखना है, हल्का सा, तीनों मिला लिए थे मैंने, तल लिए तो अच्छे से पिस गए थे। अब ये एक प्लेट में मैं घी लगा दूंगी, क्योंकि इसी प्लेट में हमें बर्फ़ी जमानी है, तो इसको हम घी लगा लेंगे। देसी घी लगाया मैंने, ये चाशनी मैंने, ये 1 कप चीनी ली थी और ये 2 टेबल स्पून और चीनी मैं ले रही हूँ, और 1/2 कप मैंने पानी लिया था उससे ये हम चाशनी बना रहे हैं। इसको मिक्स करना है, खूब गाढ़े होने तक पकाना है इसको। देखिए ये देखिए, ये खूब गाढ़ा हो गया है,
पतली चाशनी नहीं रखनी है क्योंकि इसकी हमें बर्फ़ी जमानी है, तो इसलिए हमें अब हम इसमें इलायची पाउडर है वो ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा दरदरी इलायची रखी है, आप पाउडर चाहें तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें बिल्कुल बारीक वाला। ये तैयार है अब चाशनी। अभी इस चाशनी में हम ये मावा डाल देंगे, ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े डाल देंगे जो काट के रखे थे मैंने, खरबूजे के बीज मगज है थोड़े से उसमें से बचा लिए थे 1 चम्मच, ये नारियल बुरादा है मैंने करीब 4 टेबलस्पून के करीब इसमें नारियल बुरादा डाला है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं आपकी चॉइस है। और जो मैंने खरबूजे के बीज मखाने और बादाम पीसे थे तलकर उसका पाउडर डाल दिया है ये सारा मिक्सचर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि बर्फ़ी फिर नहीं तो ठंडी होती जाएगी तो ये इसी में जमने लगेगी, इसलिए इसको हमें जल्दी जल्दी मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक जैसे मिठास रहे और सब का टेस्ट आए, नहीं तो ऐसा होगा कि किसी में कोई टेस्ट आ रहा है, एक बाइट में कुछ आ रहा है एक बाइट में कुछ आ रहा है, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये जन्माष्टमी की बर्फ़ी बहुत पुरानी है, ये मेरी नानी बनाती थी, फिर मम्मी ने बनाया, मम्मी से मैंने सीखा, ये हमारे यहाँ शुरू से बनती आ रही है, बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार बनाइए। तो चलिए अब हम इसको प्लेट में कर लेते हैं, इसी का भोग लगता है जन्माष्टमी में, हमारे यहाँ तो इसी का लगता है। इसको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये जम जाए, एक जैसा कर देंगे, नहीं तो कोई बर्फी का पीस मोटा रहेगा कोई पतला रहेगा। अब हम इसको हाथ से अच्छे से कर देंगे एक जैसा, फिर इसके ऊपर हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाल जो काट के रखे हुए थे थोड़े से अलग प्लेट पर, ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े थोड़े हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये बीज हैं, थोड़ी सी किशमिश भी डालेंगे, चिरौंजी किशमिश भी थोड़ी सी, 1 चम्मच किशमिश ली है 1 चम्मच, ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 ही चम्मच चाहिए या 2 चम्मच चाहिए। ये कटे हुए बादाम है, अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये चिपक जाए। इसके ऊपर हम थोड़ा सा नारियल बुरादा भी डालेंगे, और इसको हम जमने के लिए अच्छे से प्रेस कर दिया ताकि ये सब चीज़ें चिपक जाएं, और इसको फिर हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये आधे घंटे बाद मैं ये पीसेस कर देती हूँ तो, क्योंकि जब अच्छे से जम जाएगी तो फिर पीस करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कट कर लेती हूँ। आप कोई भी शेप ले लें, मैं स्क्वायर में कर रही हूँ, आप अपनी चॉइस की शेप में ले लें। खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है, आप बनाकर देखिए, आसानी से कट रही है इस समय। इसके बाद हम काट के इसको हम फिर फ्रिज में रख देंगे अच्छे से जमने के लिए। देखिए कट गई, अब हम इसको उठा के फ्रिज में रख देते हैं घंटे भर के लिए। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, ये अच्छे से जम गई, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए एक एक पीस बहुत अच्छे से जम गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलें आप, लाइक कीजिए शेयर कीजिए, और कैसी बनी है आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ये
मुझे बताएं आप, मैसेज करके बताएं आप, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं मुझे, आप बताएं कि कैसी लगी और आप लोग किस तरह से बनाते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएं। कुछ आपसे सीख रही हूँ मैं, कुछ मैं अपने आप जानती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी बर्फी बन गई है। इसको हम एयर टाइट डिब्बे में, जब ठंडी हो जाए, हो ही गई है ये ठंडी ऑलरेडी, इसको हम एक एयर टाइट डिब्बे में रख के करीब हफ्ते 10 दिन ये आराम से चल जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये। आप लोग खाइए, बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।